राधे शास्त्र वेद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है इस पर गुस्सा करो स्त्री पति बाप बेटा संसार इस पर गुस्सा न करो इनका कोई दोष नहीं है अरे देखो इसी संसार में महापुरुष लोग रहते हैं रहे थे रहेंगे लेकिन मयम जगत बराहोपनिषद दो बाईस उनके लिए संसार सर्वत्र सर्व कल विदम ब्रह्म मय सब जग सर्वत्र सीताराम को देखते हैं राधेश्याम को देखते हैं उम राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु माया देख जगत सर्वत्र ब्रह्म को श्री कृष्ण को राम को अपने आप को देखते हैं और सदा आनंदमय रहते हैं औसी में हम लोग रहते हैं दिन रात टेंशन क्या बढ़िया शब्द है डिप्रेशन सब कुछ है हाँ है माँ है बाप है भाई है बीबी है पति है बेटा है बेटी है पैसा है पोजीशन है प्रतिष्ठा है हा फिर भी टेंशन है. कोई है विश्व में ऐसा या हुआ है जो एक सेकंड को भी शांति से हो हाँ। जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं उस समय आपको शांति टेम्परेरी मिल जाती है गहरी नींद में जब सपना देखते हैं तब नहीं तब क्यों मिल जाती है इसका उत्तर वेद देता है यथा प्रिय स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनातरम एम प्रागेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनातरम बृहदारण्य को उपनिषद चार तीन इक्कीस जैसे संसार का कोई सबसे बड़ा सुख मिलता है घोर कामी घोर कामिनी प्रेसी का आलिंगन करता है तो जैसे वो मूर्छित हो जाता है न स्त्री का ज्ञान पुरुष को न पुरुष को स्त्री का और न आलिंगन का शून्य हो जाए दोनों ऐसा कभी कभी किसी को हो सकता है इससे भी अधिक सुख गहरी नींद में मिलता है क्यों त्मना सं भगवान जीव का आलिंगन करते हैं भगवान चिपटाते हैं अपने बेटे को और बताते हैं कि देख मैं जरा सी झलकी दिखा रहा हूं असली आलिंगन करूंगा तो इसका भी अनंत गुना रस मिलेगा तुझको आजा मेरी शरण में आजा मान जा <laughs> ये ठगनी माया तेरी नहीं है ये तो दंड देने वाली है आई मेरी मामा माया लेकिन ये इसलिए है कि तुम भगवान की ओर नहीं जाते इसकी तरफ आते हुए झापड़ लगाती है लो चप्पल ये माँ खराब है बाप खराब है बेटा खराब है समझ में आया हाँ तू जाओ उधर वो है तुम्हारी माँ वो है तुम्हारा बाप उधर जाओ चलाया। <laughs> एक बार परीक्षित ने सुखदेव परम से पूछा गुरु जी इतना दुख पाता है प्रत्येक व्यक्ति अब फिर भी संसार की ओर ही जाता है वैराग्य नहीं होता क्यों हो? बड़ा आश्चर्य है अरे एक कहावत है कि अगर कभी बिल्ली गरम दूध में मुंह डाल देती है और जल जाती है तो फिर वो छाछ को भी पहले फूंक के देख लेती है क्यों वही तो नहीं है जो हमने कल पिया था और ये दिन रात अनुभव करता हुआ अनुभव सुनी हुई बात नहीं कल मैंने बाप की बात नहीं मानी तो उसने हमको पच्चीस गाली दी आज फिर वो बाप अच्छा लगने लगा कल बीबी का ऐसा व्यवहार हुआ था और हमने बोलना बंद किया था आज फिर वो अच्छी लगने लगी ये क्या नाटक है ये तो ऐसा नाटक है कि जैसे किसी कुत्ते को डंडा मारो रसोई में घुसा आ रहा था तो भागेगा बेचारा रोता हुआ और कुछ दूर जाके मारने वाले को गुस्से में देखेगा और मन में सोचेगा ठीक है भाई तुम समर्थ हो मनुष्य हो मार लो हम कमजोर हैं लेकिन हम बहुत भूखे थे इसलिए तुम्हारी रसोई की तरफ जा रहे थे बस ये सोच रहा था आपने रोटी दिखाया वो तो भूल गया मेरा दुश्मन इसने मारा है फिर को घुमाता बड़े प्यार से आपके पास आ गया फिर मारा फिर गया फिर मारा फिर रोटी दिखाया आया ठीक यही हाल हम लोगों का है माँ मा, बाप बेटा स्त्री पति सबके साथ सपत्न इव गेह नौ जैसे एक पुरुष के दसियों स्त्री हो और सब अपने अपने कमरे में ले जाने के लिए खींच रही हो ऐसे इस एक जीवात्मा का हाल है बाप भी स्वार्थ चाहता है माँ भी चाहती है बेटा भी बेटी भी सब पीछे लगे हैं, हमारा काम करो हमारा मतलब हल करो हमको सुख दो हमारे बेटे हो बीबी कहती है हमारे ब्याह करके आए हो, हो हमारे पति हो हमारी सुनो बहन कहती है मैं तुम्हारी बहन हूं हमारी सुनो ये जिंदा है इतने टेंशन पर भी आश्चर्य है तो बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है इस मन ने ही अनंत जन्म बिगाड़े हैं और वो मन को दूसरे शब्दों में हम बुद्धि भी कह देते हैं उसके दो रूप हैं ये पुरुष है कि स्त्री है पुरुष है कि स्त्री है ये वर्क मन का है और दाढ़ी है मूछ है पुरुष है ये बुद्धि का काम है डिसीजन इसीलिए कोई एक्सीडेंट होता है वो समझदार आदमी ड्राइवर को पकड़ता है गाड़ी को मारने से क्या फायदा गाड़ी की गलती नहीं है भाई अरे गाड़ी तो मेरे ऊपर चढ़ गई थी अरे पर है तो उसका ड्राइवर जिम्मेदार उसने गलत चलाया था उसको दंड मिलेगा तो ये मन बुद्धि रूपी मन अंतःकरण कहते हैं उसी को वो सूक्ष्म होता है दिखाई नहीं पड़ता लेकिन माया का बना हुआ है इसलिए मैं को ये मन बुद्धि का पूरा परिवार यानी इंद्रिय मन बुद्धि सब मिलके भी नहीं जान सकते अतय वेदों शास्त्रों का आधार लिया गया मालूम हुआ कि मैं अणु है अत्यंत सूक्ष्म है और भगवान की जीव शक्ति विशिष्ट भगवान की शक्ति है और हृदय में रहती है और हृदय में रह करके ये जीवात्मा सारे शरीर में चेतना फैलाए रहती है वो तो चाहे हाथी का शरीर हो चाहे चीटी मच्छर का हो लोमभ्य अखेभ्य वेद कहता है आठ आठ एक छांदोग्योपनिषद चार उन्नीस कौशिक की उपनिषद हृदय में रहकर अभ्युपगमात हृद ही वेदांत कहता है हृद ही एव आत्मा वेद कहता है तीन छा प्रश्नोपनिषद सवाएश आत्मा हृदय आठ तीन तीन छोग्योपनिषद ये भगवान की शक्ति है इसलिए इसको अंश भी कहते हैं अंशो नाना विपदे साथ भगवान से जीव का भगवान से माया का जीव का माया का माया का भगवान का सबका परस्पर संबंध है क्या संबंध है भगवान की शक्ति है पराशक्ति जीव शक्ति माया शक्ति लेकिन सबका संबंध पृथक पृथक प्रकार से है पराशक्ति भगवान की पर्सनल पावर है जीव शक्ति तटस्थ है माया शक्ति बहिरंग है वो भगवान से दूर रहती है लेकिन बिना भगवान के वो कुछ नहीं कर सकती जीव माया दोनों का शासक गवर्नर प्रेरक संचालक शक्तिमान भगवान है नंबर दो भगवान मायाधीश भी है जीवाधीश भी है लेकिन जीव माया का भोगता है लेकिन माया के आधीन है वाह क्या बढ़िया बात माया का भोगता है हा? माया भोग्य है, भोगता भोग्यम प्रेरितरण वेद कह रहा है एक बारह श्वेता चतुरोपनिषद ये जीव देखो संसार का भोग करता है ना इतना सारा संसार का सामान साफ जीव अपने लिए सारे जीवों को अपने अंडर में किए हैं गाय भैंस बैल घोड़ा हाथी शेर तक को अपने अंडर में करके कमाई करता है सर्कस में और जड़ पदार्थ तो उसके सब ही है भोग ये गेहूं ये चावल चना तरकारी फल ये सब जीव है सब अपने अंडर में किए हैं हम लोग इनका भोग करते हैं लेकिन माया शक्ति के अंडर में तो माया शक्ति दो प्रकार की होती है एक जीव माया एक गुण माया और ध्यान से समझिए जीव माया जीव आत्मा के ऊपर है वो और एक गुण माया ये संसार पृथ्वी जल तेज ये जितना संसार बना है ये आपका शरीर आपका मन ये सब गुणमयी माया से बना है तो जीव माया भी दो प्रकार की होती है आभरणात्मिका माया विक्षेपात्मिका माया एक माया ऐसी होती है कि जीव अपने आप को भूल जाए आभरणात्मिका माया ने जीव को अपना स्वरूप भुला दिया मैं देह हूं पुरुष हूँ स्त्री हूँ ब्राह्मण हूँ गुजराती हूँ पंजाबी हूँ मर गए <laughs> इतनी सारी बीमारी हमारे सिर में डाल दिया आवरणात्मिका माया ने कि दिन रात लड़ रहे हैं इसी में दुखी है अब पात्र का माने क्या है हो? वो संसार में अटैचमेंट करा दिया हमारा उसी माया ने अपना स्वरूप भुला दिया एक माया ने और एक ने संसार में अटैचमेंट करा दिया डबल मुसीबत